खैबर पख्तूनख्वा कामिना के नामजद वुज़रा भी आज हलफ उठाएंगे। हलफ बरदारी की तकरीब आज 6:30 बजे गवर्नर हाउस में होगी। हलफ के लिए कामिना के नामजद अरकान को दावतनामे भेज दिए गए। हलफ उठाने वालों में मुश्ताक अहमद गनी, ताहिर शाह तोरो, आकिबुल्ला और मीना खान शामिल हैं। अरशद अजूब खान, शकील खान और फजल हकीम भी हलफ उठाएंगे। बैरिस्टर मोहम्मद अली सैफ और तैमूर झगड़ा को मुशीर मुकर्रर किए जाने का इम्कान है। आपको बताएं, पंजाब के बाद खैबर पख्तूनख्वा की भी काबीना आज मुकम्मल हो जाएगी। आज 6:15 बजे जो है वह हल्फ उठाया जाएगा। गवर्नर हाउस खैबर पख्तूनख्वा के अंदर नामजद वुज़रा आज हल्फ उठाने जा रहे हैं, जिसमें सुनी इत्तेहाद काउंसिल के मुश्ताक गनी, ताहिर शाह तोरो, आकिबुल्ला, मीना खान शामिल, अरशद अजूब खान, शकील खान और फजल हकीम भी हल्फ उठाएंगे। बैरिस्टर मोहम्मद अली सैफ और तैमूर झगड़ा को मुशीर मुकर्रर किए जाने का इम्कान है। खैबर पख्तूनख्वा काबीना के नामजद वुज़रा आज हल्फ उठाने जा रहे हैं। मोहम्मद फयाज हमें बताएंगे मजीद इस पर। फयाज बताएगा, आज शाम को 6 बजे के करीब गवर्नर हाउस के अंदर खैबर पख्तूनख्वा काबीना अरकान जो है वो हलफ उठाने जा रहे हैं। हाँ जी बिल्कुल, ये खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत साजी के हवाले से जो है हतमी फैसला कर लिया गया है, क्योंकि गुज़िश्ता रोज जो है वो अडियाला जेल में एक अहम बैठक हुई थी, जिसमें वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने जो है वो फहरिस्त पीटीआई के बानी चेयरमैन जो है उनके सामने पेश की, जिन्होंने बाकायदा मंजूरी दे दी और आज जो है वो बाकायदा नाम जो है वो भी जारी कर दिए, उनके जो नोटिफिकेशन है वो भी कर दिए गए हैं। आज जो है वो कहा जा रहा है कि शाम 6 बजे के करीब जो है वो गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा हाउस में जो है वो बाकायदा हलबरदारी तकरीब होगी, जिसके लिए बाकायदा तैयारियां शुरू कर दी गई है और जहां पर वज़रा जो है वो बाकायदा हल्फ लेंगे। जी सही। अच्छा ये भी फयाज बताएगा, खैबर पख्तूनख्वा असेंबली के 9 मुंतखब मेंबरान कितने पढ़े लिखे हैं, उस हवाले से भी तफसीलात बताएगा, सामने आगे है डिटेल्स। जी बिल्कुल, इसमें इस हवाले से जो है तफसीलात सामने आई है, उसमें कहा जा रहा है क्योंकि ज्यादातर वज़रा है 10 मेंबरान के हवाले से ये कहा जा रहा है, क्योंकि उन्होंने जो है वो उनका जो है वो मेट्रिकुलेट है 10 मेंबरान, जबकि 14 अरकीन असेंबली जो है उन्होंने सिर्फ इंटर तक तालीम हासिल कर रखी है। इसके अलावा तफसीलात के मुताबिक जो है वो 20 अरकीन असम्बली जो है वो बीए पास है, जबकि 9 मुंतखब अरकीन असम्बली में 13 जो है वो मास्टर और 2 एमफिल और 6 एमबीए की डिग्री जो है वो रख रहे हैं। जी सही, शुक्रिया फयाज।